गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम हमारे बीएससी पार्ट थर्ड के प्रैक्टिकल क्लास के अंदर मैक्रोपस जंतु की स्टडी करने जा रहे हैं। ओके, मैक्रोपस देखिए बच्चों, मैंने यहाँ पे हमारा एक जंतु का मॉडल रखा है, इसका नाम मैक्रोपस है। आप लोग शायद परिचित होंगे इस जंतु से, आप लोगों ने इसे जो है टीवी में या और कोई चैनल्स पे जो है वो इसे देखा होगा, बुक्स के अंदर इसके बारे में जो है वो पढ़ा होगा। तो आज अंदर इस जंतु की स्टडी करेंगे, जिसे आप लोग जानते हो सामान्य बोलचाल की भाषा या सामान्य भाषा में हम इसे और किस नाम से जानते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, कंगारू। ओके, तो आज हम इस एनिमल की स्टडी करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम मैक्रोपस, जिसे जो है जिसका कॉमन नेम क्या है कंगारू, उसका क्लासिफिकेशन देख लेते हैं बच्चों। क्लासिफिकेशन कौन से फाइलम का मेंबर है, ये फाइलम कॉर्डेटा। नामक संरचना पाई जाती है। ये जो मार्सुपियम
बॉडी की अब स्ट्रक्चर की यदि हम बात करें तो देखिए बच्चों, जंतु की जो बॉडी है वो हेड रीजन और ट्रंक रीजन में डिवाइडेड रहती है। ओके, हेड रीजन में क्या क्या उपस्थित होता है? देखिए हेड रीजन पर वन पेयर ऑफ ईयर्स पाए जाते हैं, इनके अंदर भिन्न उपस्थित होते हैं, एक्सटर्नल ईयर्स उपस्थित होते हैं। हेड रीजन पर वन पेयर ऑफ आईज उपस्थित होती है, सिंगल नॉस्ट्रिल पाया जाता है, हेड का आगे का सिरा निकल के स्नाउट बनाता है और स्नाउट का जो एंटीरियर पोर्शन होता है वहां पे माउथ सिचुएटेड होता है। ओके, नेक इनकी जो होती है वो कम लंबाई वाली नेक रीजन इनके अंदर पाया जाता है। नेक के नीचे की तरफ इनके ट्रंक रीजन शुरू हो जाता है, दैट इज द बैक, जिसको हम ट्रंक रीजन भी कह रहे हैं। ओके, इस रीजन के अंदर यहाँ पर टू पेयर्स ऑफ लिम्स पाए जाते हैं। ओके, कौन कौन से लिम्स बच्चों? देखिए अगली सीरीज में उपस्थित जो लिम्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? फोर लिम्स कहते हैं। ओके, और ये फोर लिम्स जो होते हैं वो छोटे होते हैं और फाइव फिंगर होते हैं, इनके अंदर जो है वो फाइव फिंगर्स पाए जाते हैं जिनपे क्रॉस उपस्थित होते हैं। ये अधिकांश जैसे हम अपने हाथों से काम करते हैं उस तरह से ये काम में लिए जाते हैं। अब बात करें हम देखिए बच्चों की इसकी हाइंड लिम्स की। ओके, हाइंड लिम्स जो होते हैं वो फोर लिम्स की तुलना में बड़े होते हैं, लॉन्ग होते हैं और बहुत पावरफुल होते हैं, और हाइंड लिम्स की सहायता से जिनको हम हाइंड लेग्स भी कहते हैं, इसकी सहायता से ही जंतु जो है वो लिपिंग जो है मूवमेंट करता है, उछलने का काम या कूदने का काम हाइंड लिम्स के द्वारा ही किया जाता है। हाइंड लिम्स जो है फोर फिंगर स्ट्रक्चर होता है, इसके अंदर फोर फिंगर्स पाए जाते हैं। देखिए हाइंड लिम्स के बच्चों क्या होता है, इनकी जो सेकंड और थर्ड टोज होती है वो स्किन के द्वारा जुड़ी हुई रहती है। तो किस कंडीशन के अंदर होती है ये? ये सिर्फ टैक्टाइलस कंडीशन के अंदर पाई जाती है। कौन कौन सी टोज? जो सेकंड और थर्ड टोज। ओके, इनके अंदर पादांगुश जिनको हम फॉलेक्स कहते हैं वो नहीं पाया जाता है कंगारू के अंदर, और इनकी जो फोर्थ टो होती है दैट इज द फोर्थ टो ऑफ द हाइंड लेग। ये फोर्थ टो जो होती है वो काफी एनलार्ज्ड होती है और इस पर क्या पाया जाता है? इस पर क्लॉज पाया जाता है, और ये जो क्लॉ है ये क्या कहलाता है? इसको हम टॉयलेट क्लॉ भी कहते हैं। ओके, आगे चले। अब बात आती है इसके टेल की। देखिए टेल जो होती है मेट्रोपस के अंदर वो काफी लंबी और नॉन प्रीहेंसाइल टेल पाई जाती है, काफी लंबी होती है ये और काफी स्ट्रॉन्ग टेल पाई जाती है जंतु के अंदर, और ये जंतु के बैठते समय जंतु जो है उस टेल की सहायता से अपने सबस्ट्रेट पर बैठता है, ठीक है, बैठने के काम आती है ये। और उछाल करते समय ये जो है वो बॉडी के संतुलन का कार्य भी इसके द्वारा किया जाता है। अब बात आती है अपने मार्सुपियम की। तो देखिए बच्चों, जो कंगारू है उसका जो एब्डोमेन है, इस एब्डोमेन के अंदर एक पाउच पाया जाता है जिसको हम ब्रूड पाउच या ये क्या कहलाता है? शिशु खानी या मार्सुपियम कहलाता है। ओके, अभी मैंने बताया था कंगारू का मैक्रोपस जो है होते हैं, तो ये जो शिशु होते हैं वो कुछ समय तक इस मार्सुपियम जो पाउच है मार्सुपियम इसके अंदर रहते हैं। मार्सुपियम के अंदर जो मैमरी ग्लैंड्स होती है जिनपे टिट्स पाए जाते हैं, चुपचक पाए जाते हैं, जिनसे मिल्क सीक्रेट होता है, और ये इमेच्योर यंग बर्ड्स उस मिल्क पैकेट के द्वारा फीड करके आगे का डेवलपमेंट करते हैं। ओके, दिस इज presence of marsupium is the characteristic feature of the order marsupia। okay, ye jo jantu hai iska peculiar character ek to marsupium ki upasthiti, dusra kya hota hai, ye leaping animal hai, uchhal karke apni gati karta hai, ye metropus jo hai wo approximately 25 foot unchi chhalang karke gati
बॉडी है हेड रीजन, नेक रीजन और ये हमारा पूरा ट्रंक रीजन जिसको हम बैक रीजन या एब्डोमेन रीजन के अंदर भी विभक्त कर सकते हैं। हेड रीजन के अंदर ईयर्स, आईज, नॉस्ट्रिल्स और माउथ सिचुएटेड होता है। नेक रीजन से नीचे हाइंड फोर लिम्स और हाइंड लिम्स नामक जो है टू पेयर ऑफ लिम्स इसके अंदर पाए जाते हैं। और एब्डोमेन के अंदर यहाँ पर ये जो है वो पाउच पाया जाता है एब्डोमेन के अंदर, दैट इज नॉन एज द मार्सुपियम। ओके, और इसके अंदर यंग्स जो है जब तक फुल्ली डेवलप नहीं हो जाते तब तक इस पाउच के अंदर अपना आगे का परिवर्तन